आज ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी के सिख समुदाय के कन्वेनर, एक शानदार नेतृत्वकर्ता बीच में आए हैं। आप आकर के प्रिय हमारे सारे भारतीय हिंद की सेना को अपने दो शब्दों से प्रेरित करें। सबसे पहले तो सनातन मंदिर का धन्यवाद उनके कार्यकर्ता प्रमोद जी और कार्लेकर जी और उनके जितने मित्र उनके साथ जुड़ के इस प्रोग्राम को इतना सक्सेस किया। मैंने पहली बार इतने लोगों को एक साथ पूजा करते देखा। सरदार और ऊपर से चौकीदार, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम सरदारों को सबसे जो टफ टास्क दिया जाता है हम ही को दिया जाता है, क्योंकि जब सब बोल लेते हैं, जितने टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं, जिसने जो जो बोलना बोल दिया, जिसने जिसने थैंक्स कहना कह लिया, बाद में मुझे बुला लिया कि अब तू बोल, अब आप बताओ मैं क्या बोलूं। सही बात है कि नहीं? अच्छा, फिर सबसे बात 2 मिनट, अब इतनी बड़ी बातें बोलनी है तो 2 मिनट में खत्म तो नहीं होती, तो चलो फिर भी मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक्चुअल मैं अपनी लिस्ट लाया था तो 2 मिनट बोला, फिर मैंने थोड़ा सा कर दी अपनी लिस्ट छोटी। कार्लेकर साहब भी नोट कर रहे हैं कि क्या कहेंगे। जो ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने होते हैं बड़े टफ होते हैं। हम लीडर्स जो भी होते हैं 2 मिनट में आके थैंक्स कर देते हैं, क्योंकि मैं भी जब प्रोग्राम करता हूँ तो सबसे पहले तो फैमिली से निपटना पड़ता था। बड़ा मुश्किल होता है, घर से भी डांट पड़ती है कि तुम दिन भर उधर लगे रहते हो, तुम्हें क्या मिलना होता है, आप महिलाएं बैठी हुई हैं, सबसे पहले यही होता है तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन जो चीज धन से नहीं मिल सकती वो आपको आपकी इच्छा शक्ति से मिलती है, अंदर में खुशी मिलती है कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया। और खास करके जो भारत का नेचुरल शेप था, जो आप देख सकते हैं चारों तरफ हमें समुद्र मिले हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, एवरेस्ट माउंटेन मिला है, सुंदर घाटियां मिली हैं, 70% हमारे भारत में कृषि के लिए जगह है, बहुत सुंदर सुंदर नदियां मिली हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमें हिंदू धर्म मिला है, जो अहिंसा परमो धर्म, जो बिलीव करता है कि हम किसी की हत्या ना करें किसी को। अब देखो हत्या करने बाजू में आके खड़े हो गए, तो यार 2 मिनट तो बोल लें दो। तो और सबसे बड़ी बात एजुकेटेड लोग हैं, और सबसे बड़ी बात हम यूनाइट है। लेकिन कुछ लोगों की नजर लग जाती है। मैं छोटी सी बात सुना देता हूं। एक राज्य था बहुत खुश था, तो ऊपर से कहीं चुड़ैल जा रही थी, तो चुड़ैल ने देखा कि अरे ये लोग बड़े खुश क्यों हैं, वहां का राजा बड़ा अच्छा था तो खुश क्यों हैं ये। तो उसने कहा कि ऐसे करते हूं कि कुछ ना कुछ ऐसे करती हूं कुछ। तो उसने कहा कि बड़ी देर लग जाएगी, तो उसके हाथ एक शक्ति थी, उसने लेक में डाल दी जहां से पूरे राज्य को पानी जाता था शहर को। तो जो भी उस पानी को पीता था वो पागल हो जाता। तो सुबह होते होते दोपहर होते होते सारा राज्य पागल हो गया, और वो राजा को जो उस्तत करते थे हमेशा अच्छे राजा की, उसको गालियां देने लग गए कि राजा बेकार है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी को लोग चोर बोल रहे हैं ना। वो चुड़ैल की नजर लगी है, वो भी इटली से आई है। तो वो चुड़ैल की नजर लग गई, उसने पानी में डाल दिया, वो पागल हो गए, गालियां देने लग गए कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो वो जो
राज्य का राजा था वो कमजोर था, उसको लेकिन समझदार बड़ा था। उसने क्या किया, अपने मंत्री से पूछा कि भाई क्या बात हो गई, तो बुलाया कि जो भी पानी पी रहा पागल हो जाता है। तो बोले अच्छा इसीलिए, बोले ऐसा करो दो लोटे में पानी ले आओ। तो दो लोटे में पानी लेके आया गया और एक राजा ने भी पी लिया और एक मंत्री ने भी पी लिया, दोनों पागल हो गए। तो पता लगा सब अपने अपने प्रार्थना स्थल में पहुंच गए और सब भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारा राजा ठीक हो गया, क्योंकि वो पागलों के साथ पागल हो गया। लेकिन हमारा जो राजा है वो बड़ा समझदार है, उसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं कि भगवान उनको इतनी ताकत दे कि